हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया और यहाँ मैं शेयर करती हूँ आपसे अपने कलेक्शन, सम थॉट्स, सम टिप्स, सम आइडियाज, सम रेसिपीज़ एंड मेनी मोर। गाइस चलिए चैनल को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूँ कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो प्लीज़ उसके पास जाइए, उसका हाल पूछिए, उससे जानिए कि क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कोई बड़ा कदम उठाए और बाद में आपको इसका रियलाइज़ हो कि उसने, मैंने उससे पूछा नहीं और उसने इस तरह से कदम उठा लिया। हो सकता हो, देखिए गाइस, सब सब इंसान की क्वालिटी या उनका नेचर सबका अलग अलग होता है। कुछ इंसान अपनी बातें शेयर करना बहुत जल्दी सब सारी बातें शेयर कर लेते हैं, कुछ इंसान अपने मन में रखते हैं, दिल में रखते हैं, नहीं बताना चाहते। तो अगर आपको, आपके नज़र में भी इस तरह से कोई इंसान है, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो उनसे उनसे बातें करिए, उनसे दिल की बातें पूछिए, क्या हाल है क्या नहीं। हो सकता हो आपसे बात करने के बाद उनके मन काफ़ी हल्के हो जाएं, उनके अंदर काफ़ी उनको रिलीफ फील हो। और गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, इन 2-3 महीनों में हमने 3 अपने बॉलीवुड एक्टर को खो दिया, जिसमें एक तो काफ़ी पुराने चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर जी, जो मुझे काफ़ी पसंद थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। गाइस जो पेशेंट, जो एक्टर बीमारी से जा रहे हैं, बीमारी की वजह से दुनिया में नहीं है, उनके लिए तो हम सिर्फ भगवान से प्रे कर सकते हैं। पर जो इतना बड़ा कदम, जैसे आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर जो भी कदम उठाया, सुनने में तो यही आ रहा है, न्यूज़ में तो यही आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो गाइस शेयर करना सीखिए। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मुझे, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपसे ये बातें शेयर करूँगी कि प्लीज़ गाइस शेयर करना सीखिए। आपको भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है, किस लिए भेजा है? आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपना खुद का एक मुकाम बनाएं, एक रुतबा बनाएं, आप अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें, अपने बच्चों की लाइफ बनाएं। हो सकता है किसी की मदद के लिए आपको भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शेयर करना सीखिए। अपने फैमिली मेम्बर से बोलिए, अपने मम्मी पापा से बोलिए, मम्मी पापा एक फ्रेंड की तरह ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बोलो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो अपने भाई बहन से बोलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी अपने अपने परिवार में सुखी हैं या वो अपनी बातें नहीं सुनेंगे, तो अपने फ्रेंड्स से बोलिए। सारे फ्रेंड्स नहीं, कुछ फ्रेंड्स तो आपकी बातें सुनेंगे ना, उनसे शेयर करिए। वो अदर सिटी में हो, अदर कंट्री में हो, जहाँ भी हो, उनसे शेयर करिए, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं लगता है कि नहीं वो भी इग्नोर करेंगे, तो आप भगवान के सामने बोलिए, दिल से बोलिए। गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, दिल से दी गई दुआ और दिल से दी गई बद्दुआ, ये दोनों कबूल होती है, ये आप जान लीजिए। अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं मिलती है कि भगवान से मैंने बोला, भगवान ने फिर भी मेरे साथ बुरा किया, ये किया वो किया, तो अपने घर में मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जितनी भी भड़ास है आपके मन में, जितनी भी टेंशन है, जितना भी इरिटेशन है, जो भी कुछ है, सामने कह डालिए। उसके बाद आपको लगेगा कि अरे मैंने सारी बातें कह दी, कितना मेरा मन हल्का हो गया। आई होप आज का मेरा ये जो समझाने का वे हो आपको समझ में आया हो। अगर ज़रा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और गाइस इतना बड़ा कदम कभी मत उठाइएगा, मैं उन सबसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि अपने मन की बात को मन में ना रह के अपने क्लोज़ फ्रेंड से शेयर करना सीखिए। क्लोज़ फ्रेंड या भाई बहन से कहना सीखिए, शायद कोई आपको उसका हल मिल जाए। लेकिन सुसाइड करना ये बहुत बड़ा, मैं जुल्म बोलूं या अपने परिवार पे ही, आखिर इस तरह का बड़ा कदम उठाते ही क्यों हैं कोई लोग? अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने अपने खुद के अगर बैचलर हैं तो अपने आगे वाली लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ अगर आप जो भी हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस तरह का डिप्रेशन में मत रहिए, बातें शेयर करना सीखिए, गॉड से बोलिए, गॉड ज़रूर सुनते हैं बात। गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज गाइज मैं अपना मेकअप किट दिखाने जा रही थी। तो गाइज आज लिपस्टिक जो देख रहे हैं गाइज, मैं कभी भी इतना मेकअप नहीं करती हूँ, मैं हमेशा लाइट मेकअप करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी अपना सारा मेकअप किट दिखा दे रही हूँ जो मैंने रखा हुआ है। कभी कभार मैं फंक्शन में यूज़ करती हूँ तो मैं ज़रूर दिखा रही हूँ। गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप जो भी मेकअप यूज़ करिए, मेकअप लगाइए, उससे पहले आप गुलाब जल से कॉटन में गुलाब जामुन डाल के अपने पूरे फेस को क्लीन करने के बाद ही कोई मेकअप यूज़ किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा 9 to 5 पाउडर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन। इसमें पाउडर है प्लस फाउंडेशन है, इस तरह से है। एंड इसका बॉक्स ये है, काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड है मेरा ये शाइनिंग कलर आई शेडो, 18 स्पेशल कलर है इसमें, ये देखिए इस तरह से है, ये
इस तरह से है। इसमें इसके साथ एक ब्रश भी है, इस तरह से ब्रश भी है, तो आप ये भी बाई कर सकते हैं। अच्छा है फंक्शन वगैरह के लिए, कभी कभी ये सारी चीज़ें कभी कभार लगाने के लिए ठीक होती हैं, रेगुलर नहीं, रेगुलर के लिए नहीं ठीक हो, रेगुलर आप सिंपल ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड लैक्मे का ये आई लाइनर है, लैक्मे का वाटर प्रूफ आई लाइनर है। मेरे पास टू आई लाइनर है, ये मेरा थोड़ा पुराना है, ये मेरा नया एलेटीन का आई लाइनर है। ये भी वाटर रेसिस्टेंट ब्लैक आउट लाइनर है, ब्लैक आई लाइनर है, ये एलेटीन का है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है गाइस। मुझे एलेटीन के बाद से लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आईलाइनर वगैरह जो भी है एलेटीन के मेरे पास, मतलब नए में जो है एलेटीन के हैं, बाकी पुराने वाले सारे लैक्मे के हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, लेकिन एलेटीन ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, तो आप एलेटीन के भी ले सकते हैं। ये वेगा कंपनी का ब्लश ब्रश है, देखिए इस तरह से। उसके बाद ये है लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन है। ये तो आई होप आपके पास ये सारी चीज़ें जो मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके पास सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आपसे अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप मेकअप किट, तो ये आप देखिए ये है। एंड ये मेरा आईब्रो पेंसिल है, इसमें छोटी सी कॉम्ब दी गई है आईब्रो को ऐसे शेप देने के लिए, बनाने के लिए, और ये परफेक्ट आईब्रो पेंसिल है, वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये देखिए इस तरह से, इसके साथ शॉर्पनर मिलता है इसको शॉर्प करने के लिए। एंड ये है लैक्मे का 9 to 5 24 hours वाटर प्रूफ लिप ग्लॉस है। गाइस मैं इतनी डार्क लिपस्टिक कभी मैं यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा हल्का पिंक कलर यूज़ करती हूँ, या रेड भी लगाती हूँ ना तो बहुत ही मैं कोशिश करती हूँ बहुत हल्का लगाऊँ, बस शादी वगैरह में ही ये सब चीज़ें बहुत डार्क अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही डार्क है, आप एक ये आप ज़रूर बाय करिएगा, मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि ये ना इसको लगाने के बाद आप चाय पीजिए, कुछ भी कुछ खाइए, छूटता नहीं है ये बिल्कुल बिल्कुल। इसको आपको अच्छे से रगड़ के रब करके कॉटन से, मतलब अच्छे से रब करके छुड़ाना पड़ता है, जल्दी छूटता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूँ, अच्छे से लग नहीं पाया आई थिंक, ये देखिए ये बहुत ही डार्क है, बहुत ही, आप एक बार लगाएंगे ना फिर उसको मन नहीं होगा, इतना डार्क है ये, देखिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये गाइस ये सब जितना मैं दिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली, लैक्मे का तो आप जानती ही, ब्रांड कितने में लैक्मे का आता है सारा सामान, एलेटीन का भी, एलेटीन का लैक्मे से थोड़ा कम ब्रांड कम प्राइस में आता है, लेकिन एलेटीन भी काफ़ी अच्छा होता है। और लैक्मे का 9 to 5 वाटर प्रूफ मस्कारा है मेरे पास, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ये भी वाटर प्रूफ है। एक तो इसमें इसकी जो इसमें महक आती है ना, बहुत अच्छी इसकी महक है इस मस्कारे की, आप इसको बाय करके देखिएगा, लक्मे का है 9 to 5, ये देखिए लक्मे 9 to 5 करके है मस्कारा। गाइस ये सारी चीज़ें मेरे मेकअप का सामान था जो मैंने आपको दिखाया, एंड आज का ये मेकअप किट का कलेक्शन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी मेकअप यूज़ करने से पहले मैं आपसे बता दे रही हूँ, अच्छे से बता दूँ, मैं समझा दूँ कि गाइस गुलाब जल से, या आपके पास कोई भी इस तरह का नेचुरल चीज़ें हैं, या दूध से ही, कच्चे दूध से ही, या गुलाब जल से ही, ग्लिसरीन से, किसी से अपने पूरे फेस को पहले क्लीन करने के बाद ही कोई मेकअप किया करिए। और मेकअप अगर उतारना हो मेकअप छुड़ाने के बाद, अच्छे से फिर से गुलाब जल से फेस क्लीन किया करिए, ऐसे हाथ से कस के रब मत किया करिए, वरना फेस पे आपके दाने निकल जाएंगे और हो सकता हो प्रॉब्लम हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मेकअप यूज़ करने से पहले आप ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, हर तरह की स्किन के लोग होते हैं, तो आप एक बार अपना टेस्ट करने के बाद ही कोई भी मेकअप फाउंडेशन वगैरह यूज़ किया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दाने निकलने की दिक्कत होती है। तो गाइस आज का था मेरा ये मेकअप किट का वीडियो, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप कमेंट्स भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे बात करना या मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन या मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू गाइज़।